न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं सुरेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं S7 न्यूज। S7 न्यूज के माध्यम से हम दिखाते हैं शहर में होने वाली हर घटनाक्रम को। हम आपको लेकर चल रहे हैं भिवंडी शहर। निजामपुर महानगर पालिका चुनाव 2017 जब संपन्न हुआ, उसके बाद नगर सेवकों ने जब महानगर पालिका की चौखट पर जाकर के अपने नए मेयर का चुनाव किया, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या रही और विकास की योजना क्या रही है। योजनाएं भिवंडी शहर की अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं भिवंडी शहर की जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल जलेबी की तरह टेढ़ी हैं। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि हम विकास में अभी सबसे ज्यादा पीछे हैं। पर जो नई बॉडी चुन के आई है, क्योंकि मतदाताओं ने एक तरफा कांग्रेस को मेजोरिटी देकर के उनका मेयर बनाकर तो दे दिया, पर उनके साथ शिवसेना भी हाथ मिला करके साथ में शहर के विकास के लिए जो एक कदम साथ में चलने के लिए उन्होंने ठानी है, इसको लेकर के विकास की योजनाएं। नव निर्वाचित नगर सेवकों से हम बात करेंगे जो नए पहली बार महानगर पालिका की चौखट पर आए हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं इस समय अशोक भोसले जी, जिनके अंदर कल्पनाएं हैं, युवा भी हैं, समझ भी है, और समझ का सदुपयोग किस तरह करना है और कहाँ करना है इसको लेकर के इनके मन में जो कल्पनाएं हैं वो किस तरह हैं हम जानना चाहते हैं। पर हमारा एक सवाल जरूर रहेगा कि विकास के मुद्दे पर शिवसेना और कांग्रेस ने मिल करके महापौर व उप महापौर बना करके हमें और आपको भिवंडी शहर निजामपुर महानगर पालिका को दिया है, तो अशोक भोसले जी से जानना चाहते हैं कि विकास की योजना और किस तरीके से उनका नजरिया काम कर रहा है भिवंडी शहर में, वो हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले जीत की खुशी, और खास करके नए मेयर जो आप लोगों ने दिया, उप मेयर दिया आपने, तो विकास की योजनाएं खास करके भिवंडी शहर को सता रही हैं और भिवंडी शहर में विकास नहीं हो पाया है। आपकी क्या राय है, किस तरह विकास करना चाहिए, और नेताओं में क्या सोच डालना चाहते हैं कि जो नए चुनकर आए हैं उनकी सोच क्या रही है, किस तरीके से विकास करें। सबसे पहले कल हमारे महापौर सब नगर सेवकों ने, 62 लगन नगर सेवकों ने उनको सपोर्ट दे के भिवंडी के माजी उप महापौर जावेद रवि साहब को रिटर्न दोबारा हम लोगों ने महानगर पालिका में चुन के दिया है। उनका पहला सबसे मेरे तरफ से और मेरे शिवसेना के पार्टी के तरफ से उनको पहला आपके तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। वैसे ही एक योगायोग ऐसा है, वो भी डबल मेयर हो चुके हैं, और जो उनके साथ में डिप्टी मेयर जो चुने गए हैं मनोज कटेकर साहब शिवसेना के हैं, उन्होंने भी दोबारा उप महापौर पर ले लिया है। ये भिवंडी के लिए, वासियों के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो दो बार रह चुके और कटेकर साहब भी दो बार रह चुके हैं। दोनों जन को हर अपने जो पद है उसका अनुभव उनको है, और कटेकर साहब को भी, मैं उप महापौर है तो आपके माध्यम से भी उनको भी मेरे परिवार और मेरे सब मतदाताओं से तरफ से उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। और रही विकास की बात है, अपना जैसा आपने बोला कि भिवंडी का विकास हुआ ही नहीं। हर बार मेयर अलग अलग पार्टी का बनते गया तो किसी को विकास करने का चांस मिला नहीं, और मेजोरिटी मुझे जितना मालूम आता है 40 साल के बाद भिवंडी में मुझे लगता है कि 47 नगर सेवक लाके कांग्रेस की मेजोरिटी बनी है। क्या सोचते हैं, जिस तरीके से विलास पाटिल ने एक प्रक्रिया दी थी कि देखिए कैसे विकास कर पाएंगे, तो विकास की सोच लोगों में नहीं है या एक दूसरे के प्रतिद्वंदिता में ये बात है? नहीं, विकास की सोच किसी को थी नहीं, और ये एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बात कर रहे थे पूरे इलेक्शन में। उन्होंने जो माजी महापौर है विलासराव पाटिल, उन्होंने खुद बोला है प्रेस में, मतलब चुनाव के टाइम में और होने कल के मेयर के इलेक्शन में भी, कि अभी विकास कैसा बनेगा। लेकिन आप ही इसके पहले तीन तीन बार, दो दो बार नगर अध्यक्ष महापौर रह चुके, क्योंकि विकास हुआ नहीं ना। तो हम अभी ये चाहते हैं कि लोगों ने हम कांग्रेस को मेजोरिटी दिया है, साथ साथ में शिवसेना उनके साथ में 5 साल थी, आज भी ये 5 साल रहने की उम्मीद से हम लोग उनके साथ में आए। हमको ये उम्मीद है कि वो मेजोरिटी में है, तो मेरा खुद का एक नगर सेवक होने के नाते मुझे पता है कि मेजोरिटी रहने के बाद ये नगर पालिका का विकास होगा, और वो विकास के तौर पे हम लोगों ने उनको सपोर्ट दिया है। और हमारी एकदम प्रामाणिक यही इच्छा है कि जो जावेद भाई जो है वो भिवंडी का विकास करेंगे, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है आज की, तो मुझे लगता है कि उनकी सोच भिवंडी को बदलने का है। एक सवाल करूंगा कि यहाँ पर मूलभूत सुविधा खास करके सबसे ज्यादा कम है, जैसे कहेंगे विद्यालय नहीं है, शौचालय नहीं है, मंत्रालय नहीं है, अब सब मिला करके जो साफ सफाई की है, कई योजनाएं हैं जो सरकार की आती हैं पर अधूरे कामों में लटक जाती है,
तो उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल आपका है और ये ऐसे सवाल आप प्रेस वाले पूछना चाहिए, और उसे मैं एक नगर सेवक के नाते नहीं बोलूंगा, एक कार्यकर्ता के नाते बोलूंगा मैं कि कल्याण डोंबिवली थाना महानगर पालिके में ये सब निधि आता है, तो वो कुछ अलग कहाँ से आता नहीं ना, वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, तो वो लोग बराबर मैनेज करके वो अपने अपने वार्ड में अपने अपने विभाग में लेके जाते हैं, वहां पर खुद रह के काम करते हैं, लेकिन वहां पर भी भिवंडी को भी निधि मिलता है, लेकिन झगड़ा करके या उसको एक सबसे बड़ी बात अपने में है कि अपने पास स्टडी नहीं है, स्टडी नहीं होने के वजह से अपना आने वाला पैसा अपन कौन सा तरीके से लेना चाहिए किसी को भी पता नहीं। अच्छा। और लोग यहाँ पर इसके रोक लगाते हैं और इसमें नहीं मेरे मुझे पहला मिलना चाहिए उसको पहला मिलना चाहिए, तो मेरी एक सोच ऐसी है जिसको भी मिलेगा लेकिन भिवंडी के लिए मिलेगा, हो सकता है कि विलासार के वार्ड में समझो कुछ प्रोजेक्ट आ रहा है तो आने दो ना उसको, उसके उधर बनने दो ना, वो बनने के बाद हो सकता है कि बाबा मनोज काटेकर के वार्ड में आ रहा है, आना चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए, जो गवर्नमेंट का निधि है वो अपने भिवंडी शहर के विकास के लिए लगना चाहिए। चर्चाएं ऐसी थी कि जब मेजॉरिटी कांग्रेस को मिली तो फिर ये हुआ कि कांग्रेस का मेयर नहीं बन पाएगा, और खास करके जो ये एक जमहूरियत को चैलेंज दी गई थी, जो एक तरफ से मेजॉरिटी को चैलेंज दी गई थी, मेजॉरिटी देने के बावजूद भी ये चैलेंज सामने आया था, इसको कितना सही मानते हैं आप, कितना गलत मानते हैं, और किस तरीके से इसको किस निगाह से आप देख रहे हो? देखो ये भिवंडी का एक मुझे लगता है कि शुकन दिखा है, ये विलासार जब भी कुछ दिन नगर सेवक लेके मैंने ऐसा चेंज किया ऐसा हुआ, उस दिन से ऐसा लोगों के दिल में भर गया है कि नहीं तीन नगर सेवक का भी आदमी मेयर बन सकता है, नगराध्यक्ष बन सकता है, ये ठीक है वो टाइम टाइम की बात थी, लेकिन आज लोग बदल गए हैं, कार्यकर्ता बदल गए हैं, नगर सेवक बदल गए हैं, तो उनकी सोच है कि हम लोग मेजोरिटी में आए हैं तो हमको मेजोरिटी में रहना चाहिए, विकास मेजोरिटी से होगा, हर नगर सेवक को ऐसे विकास के नाम पे उन्होंने वोट मांगा है और लगे उनको भी 5 साल उनको लोगों को देना है, तो उसके हिसाब से ही कांग्रेस ने एकजुट रही है, हम उसके साक्षीदार है, उन्होंने कहा भी कुछ हुआ नहीं, लोग बोल रहे थे कि हमने 10 निकल लेके गए हैं 10 लाए, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं, और वो अपने अपने जगह पे सही थे, हम लोग भी हमारे जो 12 नगर सेवक है वो भी हमारे जगह पे सही थे, हम विकास के हिसाब से चल रहे। चलिए आपके वार्ड में कहां से अभी ये 14 नगर सेवक की मेजोरिटी बनने से बना हुआ है, और ऐसा कानूनी तौर पे देखा जाएगा तो वो जो है जो नारकोली सेक्शन का जो एरिया है वो मेरे वार्ड में आता है, और वहां का जो हम लोगों ने जटिल एरिया मतलब ऐसा है कि वहां का लोगों का थोड़ा सा नजरिया हम लोगों को बदलना पड़ेगा, लोगों को दिल में सोच डालना पड़ेगा, यहां से आपको मैं सवाल आपके माध्यम से करूंगा, मानखुर्द ये ऐसा एरिया था, मैं 15 साल उधर में गया था, मेरे वहां पर रिलेटिव रहते वहां पर, ये तो हमारा वार्ड अच्छा है, उससे भी खतरनाक वार्ड मानखुर्द के एरिया में था, लेकिन आज आप वहां जाएंगे तो पूरा बदलाव आपको दिखेगा, लोग आज खुद कहते हैं हम हमारे झोपड़े से उठ के हमने एक फ्लैट में आ गए, यही कल्पना है मेरी, कल्पना बहुत यही है कि मेरे को लगता है कि ये मेयर हमारे डिप्टी मेयर अभी काटेकर साहब है, इनके सामने ये बात मैं रखूंगा, क्यों लोगों को जब तक अपन सोच नहीं बदलेंगे तब तक अपन विकास कर नहीं पाएंगे, अपन करना चाहते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है ना हम क्या करना चाहते हैं, लोगों को लगता है ये भी झूठ है वो भी झूठ है ये सब झूठ है, इसीलिए लोगों के सामने पहला प्लान रखना पड़ेगा, लोग गवर्नमेंट की स्कीम सामने उनके रखनी पड़ेगी, और अपने को ये जो एक समझो नारकोली सेक्शन है, मेरे को लगता है कि एक मानसरोवर में है, फुले नगर है, और यहाँ पर साटे नगर है, ये तीनों वार्ड को मुझे लगता है कि भिवंडी के आने वाले MLA है, जो हमारे MLA है मैं चौगुली साहब है या रुपेश मात्रे साहब है, इन्होंने ये सोच लेके मेयर के साथ बैठ के ये जो तीनों जो ठिकाना इसको झोपड़पट्टी से हटा के अच्छे जगह पे लोगों को सुविधा देना चाहिए, और ये पैसा अपने को नहीं लगाना है, गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट का पैसा अपने को लाना है, और ये दोनों हमारे सक्षम हमारे पार्टी के लोग हैं, मतलब हमारे मित्र पक्ष का BJP का है और हमारे रुपेश दादा समझो शिवसेना का है, और इनका अच्छा होल्ड
तो ये सब उधर से पैसा लाके ये सब पुनर्वसन हो सकता है। एसआरएस में एक स्कीम में मुंबई सुधर सकती है, तो अपने भिवंडी क्यों नहीं सुधर सकती है? तो ये विचार मेरा, जब भी मैं नगर सेवक बना तब से सबसे पहला मेरा विचार है। तो शुरुआत वहीं से करेंगे? मैं शुरुआत यहीं से करूंगा, मैं उसका स्टडी करूंगा, मैं दोनों एमएलए के साथ बैठूंगा, मैं मेयर के साथ, मेरे साहब है डिप्टी मेयर है उनके साथ बैठ के मैं उसके ऊपर विचार जरूर करूंगा। और उसकी कोई जरूरत ऊपर से जरूर है वो भी मैं उसके लिए मेरी तैयारी। क्या कहेंगे जो नए नगर सेवक चुनकर आए हैं पहली बार महानगर चौखट में गए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मुझे लगता है कि मैंने अभी थोड़ा स्टडी नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने कोई पार्टी से एक दो टर्म निकाला हुआ है, लेकिन कुछ ज्यादा मेरे को लगता है कि नए नगर सेवक है ही नहीं। क्यों? नगर सेवक बन के नगर सेवक नाम पे पार्टी उनके लिए नहीं है, लेकिन नगर सेवक एक बार दो बार हो चुके हैं और मुझे लगता है कि 20% ही लोग नए हैं। तो इन्होंने भी नए नगर सेवक को बोलने से मैं पहला ये बताऊंगा कि जो जूने नगर सेवक है उन्होंने ये जो नया नगर सेवक है उनको साथ लेके उनके विचार खुद रखना चाहिए सामने कि वो ये नए लोगों का क्या विचार है वो लेके फिर इसके ऊपर ये पूरा भिवंडी का डेवलपमेंट होना चाहिए। और नए नगर सेवक ने सुधा शांति से ये बात सब सुन के उनके जो मन में विचार है वो सामने सभा में रखना चाहिए सभा को। अच्छा, क्या मानते हैं जो बार बार बीच बीच में बाउंसर डाला जा रहा था कि मेयर बीजेपी बनाएगी, विकास के लिए हम ही काम कर सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते, इस बाउंसर का किस तरीके जनता ने जवाब दिया है? और क्या है, अभी आप अच्छा फिर से एक अच्छा सवाल पूछा है और ये जनता के लिए भी जरूरी है कि जो केंद्र में हम लोगों ने बीजेपी को चुन के दिया, हमारी आस थी कि अच्छे दिन आएंगे, आए नहीं। उसके बावजूद हम लोगों ने एमएलए का चुनाव लड़ा, अलग अलग लड़ा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने युति का सरकार चला रहे, सरकार चल रहा है, लेकिन सरकार चल रहा है तो इसका किधर भी काम अब क्या महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में नहीं दिख रहा है। और वही बात अपन लेके महानगर पालिका में आए, लेकिन महानगर पालिका में भी लोगों ने बताया कि हम विकास करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके माध्यम से, चलो नगर सेवक कोई भी पार्टी का हो, कोई भी बैठा हो, लेकिन आप एमएलए है ना, एमएलए है आपके ऊपर, एमपी बैठे हो, लेकिन आप क्यों नहीं 3 साल से विकास किया? आप दोनों एमएलए है या एमपी है, उन्होंने आप दिखाओ कि बाबा हम लोगों ने भिवंडी वासियों के लिए ये दिखाओ कि हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बॉम्बे से लाया है या सेंट्रल गवर्नमेंट से लाया है या स्टेट गवर्नमेंट से लाया है, दिखाओ। सिर्फ आप मुख्यमंत्री इसके लिए लाया कि इलेक्शन जीतने के लिए लाया, लेकिन हमारे कोई जो काम है या उसकी किसी डेवलपमेंट के लिए बारे में आपने मुख्यमंत्री को नहीं लाया। तो ये विकास लोगों के सामने पता चला कि बाबा ये सब, ये जो अच्छे दिन वाले जो काम बातें हैं ये भिवंडी में चलने वाला नहीं। इसीलिए लोगों ने, मतदाता ने कांग्रेस को सपोर्ट करके कांग्रेस का मेजोरिटी लाया, साथ साथ में भिवंडी में हमारे भी 18 सीट थे, चलो ठीक है 2-4 सीट हमारा ऐसे कम से कम वोट से गिरा है, और हमारे 12 सीट भी आए। तो ये विकास की जो बात इन लोगों ने कर रहे थे वो कुछ है नहीं, लोगों को पता चल चुका है। सेंटर में नहीं हुआ, स्टेट में नहीं हुआ, तो हमारे इधर क्या होगा? तो अभी लोगों को चांस मिलेगा, 3 साल हमने देखा है क्या क्या हुआ, अभी लोगों ने यहाँ पर भिवंडी में चेंज कर दिया। एक बात मान सकते हैं कि विकास के नाम पर फिर धोखा मिल रहा था, भिवंडी वासी धोखा खाए नहीं। 100% मैं सही में भिवंडी वासियों को सलाम करूंगा कि ये लोगों ने जो भी डिसीजन लिया और मेजोरिटी लाया वो किसी पार्टी का हो, वो कांग्रेस हो या शिवसेना हो बीजेपी, लेकिन एक पार्टी को उन्होंने चुन के दिया, ये सबसे बड़ी बात है। पहली बार ये 40 साल, मेरा जितना तजुर्बा है, मेरा जो स्टडी है उससे मुझे लगता है कि 40 साल में ये पहली बार हो चुका है। और ये सही में कांग्रेस वासियों को, और मैं हमारे मेयर है, डिप्टी मेयर है, इनको मैं सबको ये बोलूंगा कि अभी हमको ये मेजोरिटी का 5 साल लोगों ने जो दिया है इसका सही में अच्छा तरह से विकास होना चाहिए। और रह गई बात ये कि हमारा मेयर बनेगा, वो अभी ऊपर से निधि नहीं आएगा, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस का जो भी सरकार था तभी हमारे कल्याण में मेयर हमारे शिवसेना का थे, हमारे पालक मंत्री ऑलरेडी थाना में बैठे हुए है, उन्होंने भी उधर महापौर हमारा शिवसेना का था, तो साबरे उधर काम किया ही है ना, जो काम आज पूरा महाराष्ट्र में नहीं है वो थाना में हो रहा है, लेकिन उनके पास ताकत है। और मुझे एक पालक मंत्री से ये भी उम्मीद है कि हमारे भिवंडी के लिए भी वो आप भी हमारे ऊपर ध्यान देंगे, और ये भिवंडी का विकास करने में पालक मंत्री का भी सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ये रहे अशोक भोसले जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी, पर आपको जानकारी दे दूं कि पहली बार
चुनकर के महानगर पालिका की चौखट पर जाकर के विकास की योजनाओं के बारे में चर्चा इन्होंने की। खैर जो भी बातें रही हैं पॉजिटिव रही हैं, सोच भी इनकी यही रही है कि भिवंडी शहर में विकास होना चाहिए, पर विकास किस तरह होना चाहिए ये भी बात उन्होंने रखी सामने। पर लोगों को बोलते हैं वोट और सोच के पीछे एक कहीं न कहीं जनता का जो अपना प्रतिनिधित्व होता है, अपने प्रतिनिधि का जो चाह होती है वो भी लगी रहती है, और उसी चाह को लेकर के ये विकास की योजनाओं को और खास करके उन्होंने महापौर व उपमहापौर को वरीयता देते हुए कहा कि इनसे मिल करके हम विकास करेंगे और अपने वार्ड में नहीं बल्कि और वार्डों में जो समस्याएं हैं उसकी भी चर्चा इनके साथ बैठकर करेंगे ताकि शहर का विकास हो पाए। और महापौर जो कांग्रेस का है और उप महापौर शिवसेना का है, इन पर दाग नहीं लगना चाहिए, बेदाग होकर के काम करेंगे और हम सभी मिलकर के विकास करेंगे, यही इनकी 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 सारी भावनाएं यही रही हैं। और इनकी भावनाओं को हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं, आने वाले नगर सेवक जो चुनकर आए हैं उन नगर सेवकों को भी ये नई सीख मिले कि हमें विकास किस तरह करना है।